कल हरियाणा कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई, हरियाणा कांग्रेस के टिकटों को लेकर के मंथन हुआ। बैठक में स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य मौजूद रहे। स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष भक्त चरण दास की अध्यक्षता में यह बैठक हुई। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा भी इस बैठक में मौजूद रहे। प्रभारी दीपक बावरिया का बयान सामने आया बैठक के बाद। उन्होंने कहा कि सभी नामों पर स्क्रीनिंग कमेटी में चर्चा हुई है, जल्द नामों की घोषणा कर दी जाएगी। दीपक बावरिया ने बीजेपी पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि बीजेपी के उम्मीदवारों में 6 कांग्रेसी, 6 ऐसे उम्मीदवार जिनका बैकग्राउंड कांग्रेसी रहा है, इस बात को लेकर के उन्होंने तंज कसा। बहुत कमजोर हैं, बीजेपी के पास तो कोई चेहरा भी नहीं है, 10 में से 6 तो पूर्व कांग्रेस में है, इससे और ज्यादा क्या कहें। और जो है पूरे जनता ने नकार चुके हैं ऐसे प्रकार के लोगों को, उन्होंने फिर से आगे किया जो इन लोगों ने 10 साल में कुछ नहीं किया, फिर से उसको ही उतार रहे हैं। तो समझ गए 28 के बाद ही उम्मीद की जाए उस सूची हरियाणा का नाम आना। मैं समझ रहा हूँ 28-29-30 के आसपास। सर एक आखिरी सवाल, कांग्रेस की लिस्ट आनी है, भाजपा की आ चुकी है, कुछ लोग और भी बात कर रहे हैं, आप प्रभारी हैं, आपको क्या लगता है मुकाबला किसका होगा लोकसभा में हरियाणा में? मुकाबला जो है कांग्रेस विल बी द फ्रंट रनर, कांग्रेस विल स्वीप द इलेक्शन, बाकी सब तीनों लोग अपनी डिपॉजिट बचाने में लग जाए। आज पूरे हरियाणा में बीजेपी ने अपनी सूची डिक्लेयर कर दी है, बाकी विपक्षों ने भी थोड़ी बहुत सूची डिक्लेयर की है, उसका संज्ञान लेते हुए जो कुछ भी आगे सोच समझ के करना है उसका परामर्श होगा। फाइनल में तो जो है नाम जितने भी आते हैं उसकी चर्चा होती है, उसके नैरो डाउन कुछ होता है, कई बड़े बड़े लीडरों का भी कई जगह पे अपना ओपिनियन होता है, तो फिर वो सबका जब तक एक डेडलाइन तक हम नहीं पहुंचते हैं तब तक एवरीथिंग इज ओपन, कि जो है जहाँ भी जितना भी बेस्ट सिलेक्शन कर सके वो करने का हमारा प्रयास।